हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ फिर से और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोटक ऐप में आपको न्यू फीचर मिलता है पे योर कॉन्टैक्ट। ये फीचर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, आपको कोई भी डिटेल्स फिल करने नहीं होंगे, जस्ट आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह आप कैसे कर सकते हैं सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा और साथ ही साथ लाइव आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करके दिखा दूंगा। तो चलिए जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और कोटक ऐप को अपडेट करना है। आपने अभी तक कोटक एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो फर्स्ट इसे अपडेट कर लीजिए। देन उसके बाद जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे, लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा पे योर कॉन्टैक्ट, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिए। देन उसके बाद में आपको दो परमिशंस को अलाउ करने हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट आ चुकी है। आपको जस्ट कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना है जिसे भी आप अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो। और साथ ही साथ ऊपर देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इंटर नेम, मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी। तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट को सर्च कर लेता हूँ जिसे मैं अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और आपको यहाँ पर लाइव ट्रांसफ़र करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ऊपर लिखा है Choose which app you want to send money। तो यहाँ पर आप इसमें से कोई भी ऐप पे सेलेक्ट करके अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने नंबर सेलेक्ट किया है इस पर ऑलरेडी एक कोटक बैंक अकाउंट ओपन है, इसीलिए यहाँ पे कोटक का सिंबल आ रहा है। अगर आपने नंबर सेलेक्ट किया है और कोटक का सिंबल नहीं आया तो समझ जाना है कि उस पर कोटक बैंक अकाउंट ओपन नहीं है। बट आप इसमें से कोई भी ऐप पे आप क्लिक करके अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फ़ोनपे पे क्लिक कर अमाउंट ट्रांसफ़र करूँगा। तो यहाँ पे मैं फ़ोनपे पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फ़ोनपे पे क्लिक किया है, नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ट्रांसफ़र डिटेल, जस्ट आपको अमाउंट डालना है और आप मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और नीचे आप यहाँ पे डाल सकते हैं, रिमार्क ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैं सिंपली 1 रुपीज़ डाल रहा हूँ और यहाँ पे देन कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे आपको बताएगा कंफर्म करने के लिए। देन उसी के बाद में यहाँ पे मैं कंफर्म एंड पे पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने पेमेंट किया था फ़ोनपे के थ्रू, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 रुपीज़ ये कम पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और आप ऐसे ही गूगल पे या फिर जो भी ऐप वहाँ पे दिखा रहा है आप सिंपली उस पर क्लिक कर अमाउंट ट्रांसफ़र ईजिली कर सकते। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने आपको कम्प्लीटली बताया है कि पे योर कॉन्टैक्ट ऑप्शन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ जो अमाउंट है वो आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स या फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।